एमसीसी का एक जो सबसे बड़ा हम बोलेंगे 90 के दशक में जो एक नरसंहार हुआ वो 1992 में 12 नरसंहार देता है। उस नरसंहार के कुछ दिनों पहले एक वहीं के पास के गांव में कुछ दलितों की हत्या हुई थी और एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा था उसका नाम था रामाधार सिंह। रामाधार सिंह एक अगड़ी जाति से आते हैं, वो बिहार जाति से, और हुआ कि रामाधार सिंह ने वो हत्याएं कराई है। पुलिस ने फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं के एक विधायक होते थे, अभी सांसद बन गए, सुरेंद्र यादव। तो सुरेंद्र यादव ने वहां पे बहुत एक कैंपेन चलाया कि पुलिस हम लोगों का साथ नहीं देगी, हम लोगों को खुद कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन शाम को ये हल्ला किया गया कि रामाधार सिंह जिसने हत्या कराई थी दलितों की वो 12 में छुपा हुआ है, रात वहीं रहेगा। तो एमसीसी ने पूरा फिर अपना बनाया और करीब 500 लोगों की टीम रात में उस गांव को घेर लेती है, उस गांव के हर एक घर पे जाती है, पीटती है। वो पुलिस के ड्रेस में गए, सबको बोलती है कि हम पुलिस वाले हैं, बस रामाधार सिंह को ढूंढने आए, कुछ नहीं करेंगे, खोल दो। कुछ लोगों ने खोल दिया, कुछ ने नहीं खोला, कुछ ने तोड़ के घुसे। फिर नारे लगने चालू हो गए, एमसीसी जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गांव के जितने मर्द थे उनको पकड़ के हाथों बांध दिए गए और उनको परेड करके गांव की नहर की ओर ले गया गया और वहां पे फिर करीब 35-40 मर्दों को ले गया गया। फिर उनसे उनकी जातियां पूछी गई, कौन सी जाति से आते हो, तो उसमें से दो तीन ने बोला कि हम तो ब्राह्मण हैं, बुनियाद नहीं, तो उनको छोड़ दिया गया। एक दो ने कहा हम तो दलित हैं, तो उनको भी छोड़ दिया गया। बाकी 35 बचे, 35ों के हाथ पांव बांध दिए गए, उनको लेटा दिया गया वहीं नहर पे जमीन पे और उनके गर्दन रगड़ के काट दिए गए और उनको वहीं छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई 1992 में। ये पहली बार थी बिहार में जब एक अगड़ी जाति को, बुनियाद वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस कास्ट माने जाते हैं उस रीजन के, उनको ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से नरसंहार में मारा गया हो, तो बहुत इस पे हल्ला मचा।